रायसीना विचार मंथन सप्तम संस्करण को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। भारत विरोधी प्रचार करुवा आउ 16 यूट्यूब चैनल को बंद कले केन्द्र सरकार। देश में ह्रास पाँच मलेरिया संक्रमण, खूब शीघ्र आसो स्वदेशी प्रस्तुत टीका, कहले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र सूचना, 13 भाषा में परिचालन हेबो केन्द्रीय विश्वविद्यालय एकक नामलेखा प्रवेशिका परीक्षा। पारादीप हेबो एशियार सर्वबृहत बंदर, 10,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश कराजिबो कहिले केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राष्ट्र मर्यादार सह कटक सती चौरारे संपन्न होला पद्मश्री वीणापाणी महांती शेषकृत्य, प्रधानमंत्री समेत अनेक नेता श्रद्धांजलि। एवं भुवनेश्वर अधिक जनऔषधि केन्द्र तथा पण्यागार प्रतिष्ठा लागि केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री दाबी रखिले अपराजिता षडंगी। आपको नमस्कार, शुभ संध्या। सारा दिन बहु गुरुत्वपूर्ण खबर सहित मुझ बलभद्र रथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नुआ दिल्ली में रायसीना विचार मंथन को उद्घाटन करते। यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन तीनदिनिया वार्तालाप मुख्य अतिथि भाव जोगदे। रूसिया यूक्रेन संघर्ष समग्र विश्वपाई विपद, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र यह एक आह्वान हो। से भली विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन में उद्बोधन देते, नबेटी देशर 200 अधिक प्रतिनिधि जोग देते। वार्तालाप कार्यक्रम में लोकतंत्र, प्रजुक्ति विद्या एवं वैश्विक स्वास्थ्य ठार आरंभ कर भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा आदि 6 प्रसंग में विशद भाव विचार विमर्श हो। भारत समेत विश्वर कूटनीतिज्ञ एवं नीति निर्धारकों पर विचार मंथन एक उत्कृष्ट मंच। Democracy was born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home is India. For the European Union strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition. And we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and open Indo-Pacific. Both our regions are driving forces in the digital revolution, and this makes us natural partners in setting global standards. दुईदिनिया गस्तर आसीथिबा यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन आज नुआ दिल्ली ठारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। दुई नेता प्रगतिशील भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी समीक्षा करथिले। एथिसहित वाणिज्य, जलवायु, डिजिटल प्रजुक्ति तथा यूरोपीय और भारतीय नागरिक मानंक मध्यरे पारस्परिक सहयोग आदि प्रसंगे संपर्क वृद्धि नहीं उभय नेता सहमत होती। श्रीमती लियन कहते जे यूरोपीय यूनियन एवं भारत मध्य वाणिज्य कारबार वृद्धि पाई एक व्यापार परिषद गठन पाई बैठक में निष्पत्ति होई। भारत आपके लिए नया नहीं है, पहले भी आपका आना हुआ है और बहुत ही आपकी हर यात्रा भारत के लिए हमेशा बहुत ही उत्साहजनक रही है। लेकिन इस बार आप एक नई जिम्मेवारी के साथ पहली बार भारत आ रही है, यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बाद आपका भारत आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि रायसीना डायलॉग के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि वर्तमान समय में रायसीना डायलॉग में आपकी बातचीत वो सिर्फ भारत के इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक वर्ल्ड के लिए तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व का ध्यान रहेगा कि आज आप हमें क्या
संदेश दे रही है, दुनिया जो लोग उत्सुक है आपको सुनने के लिए। मैं विशेष रूप से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना के कारण और बाकी स्थितियों के कारण हमें 2-3 बार डेट बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने अपने कमिटमेंट को बराबर वो किया और आज आप हमारे बीच हैं, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नहीं भारत का और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुअल समिट का मौका मिला था। इंडिया यूके अगर हम रूबरू में मुलाकात कर सकते, मीटिंग कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते उन चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू मिल करके बहुत ही निकट संवाद करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर आपने दिया था, और इसलिए भी मैं समझता हूँ कि आपके नेतृत्व में भारत और यू के संबंधों एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you very much, Prime Minister, and it's a pleasure to visit India again and to see you, meet you again. So thank you very much for the very warm welcome. And indeed, this year marks the 60th anniversary of the EU-India relationship. And I think this relationship is today more important than ever. We have a lot in common. We are vibrant democracies. We are strong supporters of the international rules-based order. We are large economies. And we have a lot in common, but we are also facing a challenging political landscape. And therefore, I highly appreciate that this meeting here is possible today, and I'm very much looking forward to the Resina dialogue. We will have many topics to discuss. ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡର୍ ଲିୟନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ଚଳିତ ଦଶକରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ ନୌସେନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରବଣେ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଭିଆର୍ ଚୌଧୁରୀ କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣି ଆଉ 16 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର 6, ଭାରତର 10 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି। ମାଲେରିଆ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ବିଲୋପ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ଏବଂ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ।
नुआदिल्ली ठारे विश्व मैलेरिया दिवस अवसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री मांडव्य कहते जे स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर खूब शीघ्र मैलेरिया और जक्ष्मा दूरपाई एक राष्ट्रीय अभियान आरंभ कर भारत खूब शीघ्र स्वदेशी मैलेरिया प्रतिषेधक टीका प्रस्तुत करने को जाए गवेषणा चालू रही से कहते जे एवं देशर 125 जिले में मैलेरिया कौन मामला ना देश में मैलेरिया मामला सामग्रिक भाव 86.45% ह्रास पाई अभिहित करते अवसर में श्री मांडव्य मंत्रालय अधिकारी और कर्मचारी मानू मैलेरिया और जक्ष्मा विलोप संपर्क में शपथ पाठ कर हम स्वच्छता कैसे रखें हम फोगिंग कैसे करें कई चीज बहुत अच्छी बात यहाँ पार्थिव बहन ने बताई कई ऐसी व्यवस्था है केवल हम ट्रीटमेंट कर दें ये इनफ नहीं है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना होगा स्वच्छता भी उसके लिए जुड़ा हुआ विषय है हम हमारा निवास हमारे घर के आजू बाजू के क्षेत्र उसको कैसे स्वच्छ रखें कूड़ा में पानी भरा हुआ हो तो उसको कैसे हम ऐसी स्थिति ना होने दें इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता हो तो पब्लिक अवेयरनेस की केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामलेखापी एकक विश्वविद्यालय प्रवेशिका परीक्षा सीयूईटी यह जातीय शिक्षा नीति आधार में स्थिर करद्वारा 13 आंचलिक भाषा छात्र छात्री मैंने देशर शताधिक परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देपर केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते सीयूईटी परीक्षा संपर्क में तमिलनाडु उच्चशिक्षा मंत्री पत्र उत्तर में श्री प्रधान यह उल्लेख करते यह व्यवस्था छात्र छात्री मैंने एकाधिक विश्वविद्यालय पर नाम लिखावाक आवेदन करें परीक्षार्थी माने निजे परीक्षा केन्द्र चयन करें सीयूईटी आंचलिक भाषा एकक प्रवेशिका परीक्षा कर समस्त शिक्षा उपलब्ध कराइबार सहायक हो विशेषकर ग्रामीण एवं दुर्गम अंचल छात्र छात्री मैंने लाभवान हो पारे से स्पष्ट कर देश में आज आरंभ हो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान यह आसंता 30 तारीख पर्यंत चलो कृषक समस्या निराकरण कार्यक्रम को आगे नेबा यह अभियान मुख्य उद्देश्य या छड़ा सेमानों को जीवन धारण मानर उन्नति कृषक प्रति सामाजिक सम्मानबोध एवं सेमानों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रम उपर प्राथमिकता दिजिव कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षर यह अभियान आयोजन कर आसंताली देशर समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि वैषयिक परिचालना संस्था बा आत्मा पक्षर कृषि मेला आयोजन कर यह अवसर में प्राकृतिक कृषि संबंध में क्षेत्र प्रदर्शन कृषक वैज्ञानिक आलोचना आदि अनुष्ठित हो स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अवसर में यह अभियान आरंभ कर रेलवे जोगाजोग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विन वैष्णव आज नुआदिल्ली तालकोटरा स्टेडियम ठारे जोग उत्सव कार्यक्रम को उद्घाटन करते आजादी का अमृत महोत्सव पालन अवसर में तथा आंतर्जातिक योग दिवस उपलक्षे जोगाजोग मंत्रालय पक्षर यह योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजन कर श्री वैष्णव मंत्रालय अधिकारी और कर्मचारी सहित योगाभ्यास करते अवसर में से कहते योग को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक आंतर्जातिक परिचय देते जीवन में योगर महत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि करवा देशव्यापी पालन होग उत्सव उद्देश्य आज जो हमारा ये कार्यक्रम है ये कार्यक्रम उसी विश्व योग दिवस के काउंटडाउन के रूप में मनाया जा रहा है हम सब जुड़ रहे हैं जिससे कि योग के प्रति और ज़्यादा लोगों के मन में एक जागृति उत्पन्न हो सभी अपने जीवन के एक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए विवेकानंद जी ने भारत की विरासत को भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व भर में पहचान दिलाई थी उसी तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई है ये इसी कामना का इसी संकल्प का एक अभ्यास है बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर आज नुआदिल्ली ठारे सफदरजंग विमान बंदर रे योगाभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा आयोजन कर अंतर्जातीय योग दिवस उपलक्षे मंत्रालय पक्षर देशव्यापी योगाभ्यास कार्यक्रम यह अंशविशेष कार्यक्रम बेसामरिक विमान चलाचल
मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राष्ट्रमंत्री बीके सिंह मिलित भाव उद्घाटन करते योगाभ्यास कार्यक्रम में 900 अधिक कर्मचारी भाग नहीं अवसर में श्री सिंधिया कही योगप्रभा कार्यक्रम जरिया जनसाधारण को योगर महत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि कर विशेष भाव सहायक हो एक ऐसा अभ्यास है जो मन मस्तिष्क और शरीर को संतुलित नहीं करता केवल लेकिन उसके साथ एक आनंद और अमन चैन का वातावरण तैनात करता है। मन और मस्तिष्क के बीच में एक स्थिरता का वातावरण तय करता है और उसी के साथ शारीरिक रूप से व्यक्ति को एक नई ऊर्जा भी प्रदान करता है। राज्य हलचल पारादीप बंदर को एक मेगा फोर्टे परिणत हो 2030 सुधा बंदर माल परिवहन क्षमता 400-500 न्यूत मेट्रिक टन पर्यंत वृद्धि होगा। यह केन्द्र जहाज चलाचल बंदर एवं जलपथ मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल पारादीप गस्तर अंतिम दिवस श्री सोनोवाल कहते जे केन्द्र और राज्य सरकार मिलित भाव पारादीप बंदर विकास लगे प्रयास कर बंदर को एशियार एक सर्वबृहत बंदर में परिणत करवा लगे योजना हो बंदर विकास लगी 10,000 कोटी टंकार पुंजनिवेश करा भारत सामुद्रिक भिजन सगरमाला परियोजना अधीन बंदर आधारित तो शिल्पायन हो पारादीप को एक विशा बंदर नगरी में परिणत हो पारादीप निकट महानदी में आभ्यंतरण जलपथर मध्य विकास हो द्वारा माल परिवहन वृद्धि पावे से अभिहित कर पारादीप दुनिया का मेगा पोर्ट बनने जा रहा है। ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ये मेगा पोर्ट बनेगा मेजर पोर्ट तो छोटा पड़ जाएगा मेगा पोर्ट बनेगा यानी कि लक्ष्य तय किया गया है अगली 2030 तक इंडिया मैरीटाइम विजन के अनुसार मुताबिक जो लक्ष्य स्थिर किया गया है उसी हिसाब से हमारे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने ये लक्ष्य तय किया है कि अगली 2030 तक इनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आज 116 यानी कि 116.25 मिलियन टन से बढ़ के 700 मिलियन तक कार्गो हैंडलिंग करेगा। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए आपका सहयोग सही है। हमारे पोर्ट अथॉरिटी का जो भी अधिकारी है कर्मचारी है वो तो व्यवस्था को खड़ा करेंगे लेकिन ये पोर्ट का जो यूजर है स्टेक होल्डर है जो कंपनी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो एक्सपोर्टर है जो इंपोर्टर है सबको सहयोग करना होगा। PPP यानी कि सबका जिम्मेदारी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? सिर्फ पब्लिक करेगा ऐसा नहीं, प्राइवेट का भी जिम्मेदारी है। सब पीएम साहब का जो नीति है वो नीति है क्या? सबका प्रयास, यानी कि सबको मेहनत करना होगा तब जाके हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। तो इसलिए इतना बड़ा व्यवस्था खड़ा होने जा रहा है और ये पारादीप तो मुझे लगता है कि एशिया का ये एक प्रमुख इंडस्ट्री सेंटर बनने जा रहा है, एशिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, और भी कितना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है। और हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से ही अगले दिनों में 10,000 करोड़ का नई प्रोजेक्ट खड़ा होगा यहाँ, 10,000 करोड़ अलग अलग, मैं सारे प्रोजेक्ट को उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ यहाँ निवेश किया जाएगा। ये लक्ष्य सागरमाला में है, ये लक्ष्य इंडिया मैरीटाइम विजन में है, इस लक्ष्य आधुनिकीकरण में है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट फैसिलिटीज। मैं हमारे उड़ीसा प्रदेश सरकार राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर पटनायक जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके सरकार ने हमारे हर कार्यक्रम में साथ दिया है, मदद किया है और आज तो आप लोगों ने इतिहास रचना किया है। महानदी और बंगोपसागर
ऐसे तो रिश्ता है, सदियों से है. इट इज फ्लोइंग टू द बे ऑफ बंगाल, दैट महानदी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन द कंट्री. लेकिन आज हमारे पहली बार के लिए ये कार्गो वेसल बार्ज आज महानदी से होके पारादीप पोर्ट तक चलने का काम शुरू हुआ. यानी कि इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल वाटरवेज दोनों का महामिलन आज कार्गो वेसल के जरिए संभव हो गया. ये संभव आप लोगों ने की है, उड़ीसा की जनताओं ने, पारादीप का जनताओं ने की है, और प्रदेश सरकार के सहयोग है. इसके लिए मैं पटनायक जी को, चीफ मिनिस्टर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं. केन्द्र बंदर जहाज चलाचल एवं जलपथ मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल दुईदिनिया पारादीप बंदर गस्तरे जाई विभिन्न प्रकल्पर आधारशिला रखिबा सहित किछि प्रकल्पर लोकार्पण करछन्ति. ए संपर्करे रिपोर्ट. केन्द्र बंदर जहाज चलाचल ओ जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पारादीप बंदर परिसरें विभिन्न उन्नयन कार्यर समीक्षा करिछन्ति. बंदरर माल परिवहन क्षमता 2030 सुधा वार्षिक 50 कोटी मेट्रिक टन को पहुँचाइबा पाई से निर्देश देइछन्ति. श्री सोनोवाल प्रथम थर लागि पारादीप गस्त करिछन्ति. समीक्षा बैठक अवसर में पारादीप बंदर एवं एहार आखपाख अंचल निर्माणाधीन थिबा भित्तिभूमि प्रकल्प, पीपीए प्रकल्प, बंदरर कार्यधारा, सहज कारबार पद्धति, परिवेश अनुकूल कार्यक्रम एवं व्यावसायिक विकास कार्यक्रम संपर्क में आलोचना होता. एक अवसर में श्री सोनोवाल 29,68,00,000 टंका व्यय निर्मित कंटेनर स्कैनर को उद्घाटन करते. स्कैनर टी घंटाक मध्य 25 ट्रक को जांच कर व्यवस्था पारादीप बंदर माल बोझ त्वरान्वित कर सहायक हो. केन्द्रमंत्री श्री सोनोवाल एक अवसर में पारादीप बंदर द्वितीय प्रस्थान रोड फ्लाईओवर निर्माणर शुभ देते. जातीय राजपथ को पारादीप बंदर सह जोड़ा है फ्लाईओवर निर्माणर मुख्य उद्देश्य. पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान अधीन 2.4 किलोमीटर लंबर यह फ्लाईओवर ट्राफिक भिड़ कम. प्रकल्प पर 93 कोटी टंका व्यय हो. श्री सोनोवाल पारादीप गस्त अवसर में बंदरांचल मध्यरे थिबा एक वर्ज्य विशोधन प्लांटर मध्य उद्घाटन करिछन्ती. एहा छड़ा मंत्री प्रस्तावित आयुष उद्यानर निर्माण पाई निजे गछ लगाई शुभारंभ करिथिले. केन्द्रमंत्री श्री सोनोवाल पारादीप पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रो रसायन पुंजनिवेश अंचलर अग्रगति मध्य समीक्षा करिथिले. एथिरे भारतीय तैल निगम एवं इडकोर अधिकारी माने जोग देइथिले. पारादीप बंदर निकटरे केन्द्रमंत्री श्री सोनोवाल एक कन्वेन्शन सेंटर को मध्य उद्घाटन करिछन्ते. एहा छड़ा एनसीसी ओ एनएसएस स्वेच्छासेवी मानंक सहित मत विनिमय करिथिले. प्रख्यात ओडिया कथाशिल्पी बीणापाणी महंती पंचभूतरे लीन होइछन्ते. कटक सतीजोरा श्मशानरे राष्ट्रीय मर्यादार सह तांकर शेषकृत्य संपन्न होइछे. गतकाली रात्रि कटक बादामबाड़ी बासभवनरे 86 वर्ष बयसरे तांकर परलोक होइथिला. से 50 ऊर्ध पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य रे विशेष ख्याति अर्जन से अति बड़ी सम्मान सहित अनेक पुरस्कार एवं सम्मान लाभ करथिले. तांकु 2020 मसीहार पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित कर जितला. बीणापाणी बासभवन एवं सतीचोरा श्मशान में हाइकोर्टर विचारपति, जिला प्रशासन अधिकारी एवं बहु मान्यगण्य व्यक्ति शेष दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पण करते. बीणापाणी महंतीक वियोगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं आंध्रप्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन प्रमुख गभीर शोक व्यक्त करिछन्ति. प्रथित जसा कथाशिल्पी बीणापाणी महंती वियोगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गभीर शोक व्यक्त करिछन्ति. एक ट्वीट बार्तार से कहते जे ओडिया साहित्य को तांकर अवदान अतुलनीय रही थिला. विभिन्न भाषा अनुवादित तांकर साहित्य कृति बेस लोकप्रियता हासिल करिछे. तांको परिवार एवं प्रशंसक मानंकु समवेदना जणाइ स्वर्गत आत्मार सद्गति कामना करिछन्ति प्रधानमंत्री. राज्यपाल
श्री गणेशीलाल बीणापाणी महांती परलोक गभीर शोक प्रकाश करोड़िया साहित्य को से बहु भाव समृद्ध कर रचना चिरस्मरणीय रही राज्यपाल एक ट्वीट बार्तार कहते अमर आत्मार सद्गति कामना कर राज्यपाल मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक शोक व्यक्त कर बीणापाणी महांती ओडिया साहित्यर एक महान कथाशिल्पी भाव वर्णना करते हैं वियोग ओडिया साहित्यर एक विराट शून्य स्थान सृष्टि केन्द्र शिक्षामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान पद्मश्री बीणापाणी महांती वियोग गभीर शोक प्रकाश कर वियोग ओडिया साहित्यप एक अपूरणीय क्षति उत्कृष्ट गल्प उपन्यास अतिबड़ी जगन्नाथ दास साहित्य एकाडेमी और सारा सम्मान मिलता ओडिया साहित्य को वृद्धिमंत करिवारे अवदान चिरस्मरणीय हो रहा श्री प्रधान ट्वीट बार्तार उल्लेख कर आंध्रप्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बीणापाणी महांती वियोग गभीर शोक प्रकाश करते बीणापाणी वियोग ओडिया साहित्यर एक जुगर अवसान है साहित्य कृति बीणापाणी को चिरदिन अमर कर रखे श्री हरिचंदन एक ट्वीट बार्तार परवर्ती खबर को आसवा भुवनेश्वर अधिक प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोलने सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडव्य को अनुरोध करते नूआदिल्ली ठारे आज श्री मांडव्य को भेट ओडिशार जनऔषधि पन्यागार खोलने श्रीमती षडंगी दावी जनाई से कहते जे या फल साधारण लोकों सुविधा तथा सुलभ मूल्य औषध पापारे एथपाई से समस्त प्रकार सहयोग करेंगे स्वास्थ्यमंत्री को प्रतिश्रुति देते बालेश्वर जिलार बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर मणिभद्र हाईस्कल परिसर में भारत सरकार आयुष्मान भारत गोष्ठी स्वास्थ्य मेला अनुष्ठित होई गोपालपुर आखपाख अंचल सहस्राधिक पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य मेला नाम पंजीकरण करते विशेषज्ञ डाक्तर द्वारा सेमान स्वास्थ्य परीक्षा करशुल्क औषध बंटन कर स्वास्थ्य मेला को भद्रक सांसद मंजुलता मंडल उद्घाटन करते कहते केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलित भाव लोक कल्याण कार्य कर दूरदूरा गरीब लोक मान स्वास्थ्य मेला जरिया चिकित्सा सेवा जोगाई दि जाए जनसाधारण जिते सचेतन हे से केन्द्रीय योजन से लाभ उठाई पारे कार्यक्रम में विधायक मुक्तिकांत मंडल एनडीएमओ डाक्टर मृत्युंजय मिश्र धीरेश कुमार षडंगी प्रमुख अंशग्रहण करते स्वास्थ्य मेला विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता हासिल कर महिला संबर्धित कर जनसाधारण मानक अनुदान एवं आम राज्य सरकार सहभागीदार शुणु पापाग संपर्कित सूचना राज्य में आगामी 29 तारीख पर्यंत ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि पाव विशेषकर आभ्यंतरण ओडिशार केतक स्थान में दिनर तापमात्रा स्वाभाविक ठार प्राय 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाव भुवनेश्वर आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष सूचना दी जाए उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम शुष्क तथा उत्तप्त वायु प्रवाह जो दिनर तापमात्रा 40 डिग्री उपर रही कटक समेत 11 जिला पापाग केन्द्र पक्ष येलो वार्निंग जारी कर ग्रीष्म प्रभाव दृष्टि जनसाधारण विशेषकर शिशु वयस्क रोगी मैंने बाहर को न बाहर परामर्श दी जाए बलांगीर आज राज्य सबुठ उत्तप्त सहर होती है दिन तापमात्रा 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड 27 सहर तापमात्रा 40 डिग्री 28 संबलपुर सोनपुर बौद्ध अंगुल ऐसा डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है बलांगीर में और फिर 29 में भी रहेगा बलांगीर कालाहांडी सोनपुर बौद्ध नवापारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट में रायसीना विचार मंथन सप्तम संस्करण को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री भारत विरोधी प्रचार करुवा आउ 16 यूट्यूब चैनल को बंद कले केंद्र सरकार देश में ह्रास पाच मलेरिया संक्रमण खूब शीघ्र आसव स्वदेशी प्रस्तुत टीका कहले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख पांडव्य धर्मेन्द्र सूचना 13 भाषा परिचालन हो केंद्र विश्वविद्यालय एकक नाम लेखा प्रवेशिका परीक्षा पारादीप हो एशियार सर्वबृहत बंदर 10,000 कोटी टंकार पुंजनिवेश कहले केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय मर्यादार सह कटक सतीचौरारे संपन्न होला पद्मश्री बीणापाणी महांती शेषकृत्य प्रधानमंत्री समेत अनेक नेता श्रद्धांजलि
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଦାବି ରଖିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ପାଇଁ ସମାଚାର ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଏବେ ଆସିଯିବ। ଆରେ କୁହନା।